कुछ दिन पहले मैंने ऐसे दो वीडियो देखे, वो मुझे आत्मिक तौर पे वार्निंग देता है। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पहला वीडियो है समंदर यानी कि महासागर में कुछ मरीन्स के टीम को मिलता है एक समंदरी कछुआ। उस कछुए का पूरा ऊपरी जो सेल होता है वो पहाड़ सा बन गया था, भारी, और वो जो पहाड़ सा दिखने वाला जो है उसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्नकल्स। बर्नकल्स एक काइंड ऑफ पैरासाइट है जो चिपकता है कछुए के ऊपर में, कछुए का सेल्स का ऊपर में, या कभी कभी नाव के नीचे भी चिपकता है। एक काइंड ऑफ पैरासाइट होता है ये जो है दूसरे के शरीर में रह के उसको खाता है और साथ में उसी के ऊपर में बना रहता है लाइफ टाइम, अगर जब तक कि उसे निकाल ना दिया जाए। और इस कछुए का ऊपर में इतना सारा बर्नकल्स चिपक गया था कि ये कछुआ का चलना फिरना जो है पूरी तरीके से स्लो हो गया था, यानी कि ये मुश्किल से चल पाता था पानी के अंदर, यानी कि इसका पूरा फुर्तीलापन खत्म हो गया था क्योंकि इतना भारी हो गया था। दूसरा, ये जो कछुआ धीरे धीरे करके मौत की ओर बढ़ रहा था, क्यों? क्योंकि इसका शरीर से पूरा न्यूट्रिशन, पूरा इसका खून, जितना भी ये जो है बर्नकल चूस रहे थे इसे, तो यानी कि जिंदा ये मौत की ओर जा रहा था, यानी कि दैट वाज श्योर। नाउ कमिंग टू द स्पिरिचुअल पार्ट, वचन कहता है बीवेयर ऑफ द सिंस दैट इजीली इंटेंगल। हेब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 में कहता है सावधान हो उन सभी पापों से जो आसानी से आपको फंसा देता है या आपको चिपक जाता है, हम अपने लैंग्वेज में कहे तो। देखिए, हम सभी के ऊपर में कुछ ना कुछ चिपका हुआ है। हमारा बर्नकल्स उस कछुए की तरह चिपका हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन हमारे अंदर में भी बहुत सारे ऐसे बर्नकल्स है हमारे में चिपका हुआ है, जो श्योरली हमें मौत की ओर ले जाता है। वचन कहता है फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो बर्नकल्स हमारा, हो सकता है हमारा शारीरिक अभिलाषा, हो सकता है हमारा लालच, हो सकता है हमारा जो क्रोध है, हमारा डर, हमारा चिंता, हमारा जो गंदी आदतें हैं जो लोगों को दिखता नहीं लेकिन है, हमारा सुस्तपन, हमारा प्रार्थना ना करना, हमारे वचन में ध्यान ना देना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चलना, ऐसे बहुत सारे इनविजिबल बर्नकल्स है जो हमारे आत्मिक जीवन को स्लो कर देता है अंटिल एंड अनलेस वी गेट रिड ऑफ इट। अगर हम उसे अपने जीवन में बने रहने दें तो क्या होगा कि अल्टीमेटली वी विल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ सिन। प्रभु से हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, दस वर्ष और, क्योंकि धीरे धीरे करके हम पाप में बढ़ते जाएंगे। सो वी शुड गेट रीड ऑफ ऑल द बर्नकल्स, क्योंकि हमारा आजादी के लिए ही यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस में जान दिया। हमारा आत्मिक न्याय हमें मिल चुका है, लेकिन हमारा जो ये पृथ्वी है, जो फॉलन नेचर के साथ में हम जी रहे हैं, इसमें हमें कंटिन्यूली सेंक्टिफिकेशन की ओर जाना, शुद्धता की ओर जाना। इसीलिए वचन कहता है कन्फेस योर सिंस। आपके अंदर में बर्नकल्स है, आप खुद से नहीं उतार पाएंगे, उन सभी बर्नकल्स पर आप विजय खुद नहीं पा सकते, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह ही हमें आज़ादी दे सकता है। तो इसीलिए हमें यीशु मसीह के पास में जाना है। जिस प्रकार से द टर्टल वॉज हेल्पलेस, वो अपने आप को बचा नहीं सकता था, इसीलिए उन मरीन्स ने क्या किया, वो समंदरी सिपाहियों ने क्या किया कि उसे लेबोरेटरी में ले जाके पूरा बर्नकल्स को साफ करके उसका ट्रीटमेंट करता है। उसी प्रकार से प्रभु भी हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करके हमें पवित्र आत्मा देता है जो हमें शुद्ध करे, सेंक्टिफाई करता जाएगा। कन्फेस करना है, प्रभु के आगे माफ़ी मांगना है, उसे मन फिरा के हमें दोबारा नहीं करना। तो ऐसा हम करते हैं तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है जो हमें शुद्ध करता जाएगा, हमें ट्रीटमेंट करता जाएगा, हमें पवित्रता का जीवन जीने में मदद करेगा।